गाजियाबाद की, जहां पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया। तीन बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। लूटपाट कर अमीर बनना चाह रहे थे तीनों युवक। लोनी इलाके का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पर मुठभेड़ में तीन बदमाश अरेस्ट हुए हैं। अमीर बनने के लिए लूटपाट करते थे, लूटपाट करके अमीर बनना चाहते थे। लोनी इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मुठभेड़ हुई है पुलिस और बदमाशों में। जतिन गोस्वामी जुड़ गए हमारे साथ संवाददाता अधिक जानकारी के लिए। जतिन, क्या अपडेट है इस मुठभेड़ को लेकर? देखिए, लोनी इलाके में मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि जो बदमाश है वो एक बड़ी लूट के इरादे से लोनी पहुंचे थे और उसी दौरान पुलिस चेकिंग कर रही थी और फिर इन्हें रोकने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ जिसका नाम जीत है और ये दिल्ली के मयूर विहार इलाके का रहने वाला है। पूछताछ में पता चला है कि ये अपने तीन साथियों के साथ यहाँ आया था, बाकी के दो को भी गिरफ्तार कर लिया है जो अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। पुलिस ने जानकारी दी है कि ये जल्द अमीर बनना चाहते थे और इसलिए गाजियाबाद में लूटपाट के लिए आए थे और अमीर बनकर इन्हें तेज बाइक से संबंधित एक व्यापार शुरू करना था और इसीलिए पूरी वारदात अंजाम देने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने पहले ही वारदात को नाकाम कर दिया। जी, तो क्या इससे पहले भी ये लिप्त रहे हैं इस तरह की घटनाओं में? जी बिल्कुल, देखिए पहले भी ये इस तरह की वारदातों में लिप्त रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है और पुलिस इनका जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो भी आगे के लिए खंगालने में जुटी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जतिन, जानकारी और उस बातचीत के लिए।